हे दी पोको इंडियनस, आप सभी का स्वागत है पोकेमॉन रेडिकल एड के इस नए एपिसोड में। और गाइस, आज के इस एपिसोड के अंदर भाई हम लोग को जाना है बैटल करने जियोवानी के दो खतरनाक मेंबर से। भाई वो लोग इतने ज़्यादा खतरनाक है कि उनके लिए मैंने अभी तक कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है। अब वैसे भाई काफ़ी दिनों बाद भाई मैं पोकेमॉन का गेम खेल रहा हूँ, एंड अपने चैनल पर भी भाई मैं कुछ दिनों के लिए इनएक्टिव हो गया था, मेरे को पता है, आई एम सॉरी फॉर डैट, बट थोड़े दिन के लिए मैं इनएक्टिव हुआ था, तकरीबन 4 से 5 दिन अराउंड, हाँ इतना ही हुआ था भाई। और अब भाई फाइनली वीडियो आ रही तो वो भी रेडिकल लड़की, एंड भाई मैं सच सच बताऊँ तो भाई मैंने रेडिकल लड़की जो ट्रेनर्स है ना, जो यहाँ पे सिल्फ को के अंदर जो भाई एडमिन से ना टीम रॉकेट की, उनके लिए भाई मैंने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। भाई मैंने भाई ऑफलाइन में 2-4 बार उन लोग से बैटल किया था, तो ऐसा हुआ ना कि भाई मैं बार बार हार जा रहा था, और भाई मेरे को कुछ काम भी आ गया था जिसकी वजह से भाई मैंने बैटल नहीं किया। बट भाई ये देखो, यहाँ पे मेरी टीम है, और इस टीम से भाई देखो मैंने स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश की थी, बट क्योंकि भाई मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, और भाई गेम थोड़ा मैंने बंद कर दिया था, मैं पोकेमॉन की गेम थोड़ा नहीं खेला था कुछ दिनों के लिए, इसके लिए भाई मैं स्ट्रैटेजी नहीं बना पाया। बट यहाँ पे ये टीम मैंने भाई ट्राई किया था, थोड़ा मैंने उनसे बैटल किया था, मैं स्ट्रैटेजी बना ही रहा था, बट बीच में वो थोड़ा दिक्कत हो गया, इसके लिए थोड़ा काम भी आ गया, इसके लिए भाई मैंने गेम्स को छोड़ दिया और मैं प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बना पाया। बट ये जो मेरी टीम है ना, इस टीम से भाई मैंने उनको हराया था 1-2 बार, मतलब कि मैं जब उनसे बैटल कर रहा था ना तो कभी मतलब 1-2 बार मैंने उनको हरा दिया था, और भाई 2-3 बार तो काफ़ी क्लोज आ गया था उनको हराने के लिए। तो मेरे को लगता है कि ये टीम चल जाएगी भाई, अगर हम लोग दिमाग लगा के चलेंगे आगे, तो ऐसा मेरे को लग रहा है कि ये टीम से हम लोग हरा देंगे। सो अभी यहाँ पे देखते हैं भाई क्या होगा, अगर आज हम लोग उनको नहीं हरा पाए, मतलब आज अगर हम लोग उनको नहीं हरा पाए तो भाई फिर नेक्स्ट एपिसोड में स्ट्रैटेजी एकदम पक्की वाली बना के लाऊंगा। बट अभी के लिए भाई मैं उनको हरा पा रहा हूँ, तो मे भी ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए भाई मेरे को कोई स्ट्रैटेजी मैंने बनाई नहीं भाई, सच बताओ तो मैंने बनाई नहीं है, और मेरे को बनाना था, बट क्या हुआ ना भाई, अब आप लोगों को मैंने बता ही दिया भाई, वापस से मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों को पता चल गया भाई। एंड अभी भाई मैं वापस से रेगुलर हो जाऊँगा अपने चैनल पर, तो आप लोग भाई फिर से 12 बजे का टाइम पकड़ लो, और 12 बजे फिर से सभी लोग जैसे पहले आते थे वैसे आके भाई जुड़ जाना चैनल पे और दिखा देना अपना ओपी वाला सपोर्ट, ठीक है। और गाइस सबसे मैं आज से रेगुलर हो गया फिर से, तो भूलना मत सपोर्ट दिखाना। सो गाइस चलो यहाँ पे चलते हैं बैटल करने, बट उससे पहले मेरी टीम आप लोग देख लो। और गाइस यहाँ पे भाई किसी को मैंने सिट्रस बेरी नहीं दिया, गाइस ये मेरे से दिक्कत हो गई, आई एम सॉरी। आप लोग एक काम करो, मैं जाता हूँ भाई मेरे जो मतलब जो मैंने पीसी में पोकेमॉन रखे ना उनके पास सिट्रस बेरी होगा, सो मैं उनसे भाई विड्रॉ करके इनको देता हूँ। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, मैं भाई काम करके आता हूँ वापस ही इसी जगह पे। सो यहाँ पे गाइस मैंने अपने सभी पोकेमॉन को भाई सिट्रस बेरी पकड़ा दिया है, और भाई मैंने गेम को एक बार सेव भी कर दिया सिट्रस बेरी पकड़ाने के बाद इसी जगह पे। सो भाई अगर मैं हारता भी तो भाई मेरे को वापस जाके यहाँ पे लौट के नहीं आना पड़ेगा, और यहाँ पे भाई पकाओ चंद बातें आप लोगों को पता होगा। और हाँ गाइस एक बात और, भाई हम लोग 3 ही पोकेमॉन यूज़ कर सकते हैं, और जो 3 पोकेमॉन बाकी के रहेंगे भाई वो मेरा राइवल ब्रैंडन यूज़ करेगा भाई। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले भाई मैं मिक मैजिकस को रखना चाहूँगा अपने टीम में, एंड सेकेंडली मैं रखूँगा भाई लैप्रेस को, एंड थर्ड में इंसाइन रॉर को, और उसके बाद अगर ये वाली जो टीम है ना, देखो ऑफ में भाई मैंने ज़्यादा वैसे तो भाई बैटल नहीं किया, बट भाई जो भी मैंने 5-6-7 बार बैटल किया था ना, मतलब थोड़ा समझ लो 10 बैटल आप लोग ऐसा पकड़ सकते हो, मैं फटाफट बैटल करता हूँ, गिनता नहीं हूँ भाई, मतलब समझ जाओ कि मैंने 10 बैटल कम से कम तो 10 किए ही होंगे भाई, और 10 में से ना मतलब 2-3 बार भाई मैं बैटल जीता था। बट ऐसा कोई फिक्स टीम नहीं है भाई इनको हराने के लिए, मेरे को ऐसा फिक्स टीम नहीं मिला था इसके लिए। भाई यहाँ पे मैंने ये 6 पोकेमॉन मैंने चूज़ किए थे, और इन्हीं 6 पोकेमॉन के भाई बारी बारी करके मैं ट्राई कर रहा था, तो मैंने इनको हरा दिया था 1-2 बार, तो वही 1-2 बार भाई मेरे को लग रहा है ना कि वीडियो में भी काम कर जाएगा, क्योंकि भाई मैंने इनके मतलब इनसे इनके लिए ना भाई एकदम ऐसी पक्की वाली स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, मैं इनसे बैटल कर रहा था स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, तो भाई ये लोग ने हरा दिया था, बट मेरे को भाई कुछ काम आ गया था जिसकी वजह से भाई मैं पक्की वाली स्ट्रैटेजी नहीं बना पाया, और काफ़ी दिनों से भाई ये वीडियोस भी नहीं आ रही थी आप लोगों को पता ही होगा। सो अभी मैं यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ, और थोड़ा बहुत जो मेरे को पता है ना भाई वो मैं आपको दिखाऊंगा, बट अगर आज मैं इनको नहीं हरा पाया तो टेंशन नॉट, मैं भाई फिर से आऊँगा एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ। बट अभी मैं सोच रहा हूँ भाई थोड़ा भाई बहुत हो गया स्ट्रैटेजी वगैरह, अभी थोड़ा बैटल करते हैं यार, थोड़ा मतलब ऑफलाइन में तो मैंने इनसे बैटल किया है, तो इनकी पोकेमॉन के बारे में मेरे को थोड़ा आइडिया हो गया है, बट भाई गेम काफ़ी ज़्यादा हार्ड है ना, तो इसके लिए भाई ऐसा हो जाता है कि हम लोग हरा नहीं पा रहे, बट कोई दिक्कत नहीं भाई, हम लोग अभी ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो भाई आगे तो मिल ही जाएगा आपको स्ट्रैटेजी, टेंशन नॉट। बट यहाँ पे देखते हैं भाई, मैंने इनको ऑफलाइन में 2-3 बार हरा दिया, 1-2 बार 2-3 बार, कभी 1-2 बार बोलते हो कभी 2-3 बार, मतलब मैंने हराया इनको ऑफलाइन में 2-3 बार, इसके लिए भाई मेरे को पता है कि कौन से टाइप पे क्या यूज़ करना है मेरे को। तो यहाँ पे भी इस हिसाब से ना भाई मेरे को इंसान रॉड भेजना चाहिए, और यहाँ पे भाई मेरे को इनकी टीम तो पूरी पता है, टेंशन नॉट, मैंने इनसे भाई कम से कम 8-10 बार बैटल किया, इसके लिए मेरे को इनकी टीम पूरी पता है। ओके
टीम मेरे को पूरी पता है, बट दिक्कत क्या होती है पता है, कभी कभी ना सामने वाले की जो टीम की पोखन है ना वो कोई और अटैक कर देते हैं, जिससे कि भाई थोड़ा दिक्कत हो जाता है और हम लोग उनको हरा नहीं पाते, बस यही दिक्कत है और कोई नहीं। और कभी कभी क्या होता है ना कि भाई मतलब लोग जैसा करते ना वैसे ही जाते, बट कभी कभी अटैक को लोग बदल देते तो उससे दिक्कत होती है, और बाकी सब तो भाई एकदम बढ़िया है अपना। यहाँ पे ड्रेन पंच के ऊपर सुपर इफेक्टिव, तो हम लोग ड्रेन पंच करते हैं उसको, बहुत बढ़िया भाई एकदम सही पोकेमॉन को सेप्टाइल ने अटैक किया भाई एकदम सही। ओके डार्क होल मेरे को मार भाई मेरे को मार, उसके सेप्टाइल को क्यों मार रहा है यार ये फेंट, वो भाई फेंट हो गया। अब यहाँ पे मैं अकेले बच गया तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई मेरे लिए। ओके कोई प्री मार आना भाई, ये देखो ये बड़ी वाली दिक्कत है यहाँ पे। अब ये वाटर टाइप अटैक करेगी तो भाई मेरा काम खत्म हो जाएगा, एक मिनट रुको मैं यू टर्न करता हूँ इसके ऊपर, जिससे भाई मेरे को विड्रॉ करने का, ओ नहीं भाई ये मैंने नहीं सोचा था। ओके अब यहाँ पे लैपटॉप को हम लोग पटक देते भाई, लैपटॉप एक वाटर टाइप है तो उसके ऊपर भाई इसके अटैक्स काम नहीं करते। यहाँ पे पहले मैं इसको सल्टाता हूँ, ठीक है पहले इसको सल्टाते, अच्छा भाई मैंने इसके ऊपर ही अटैक किया क्योंकि उसने विड्रॉ कर लिया, और वैसे उसको भी लगता तो सही रहता, कोई दिक्कत तो नहीं है। बट इंसाइन रॉन भाई अभी यहाँ पे ये पता नहीं, ओ भाई सुला दिया इसने, दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी भाई, ओ भाई फेक आउट। ओके बैरी मैंने सिट्रेस भेजी पकड़ा था, फिर से डाक होल भाई उठ जा उठ जाओ भाई उठ जाओ ना भाई दिक्कत हो जाएगी बड़ी वाली, उठ जा नहीं हाँ। ओके फ्लिंच भाई, उठने के बाद फ्लिंच। अब यहाँ पे मैं थंडर बोल्ड करना चाहूँगा क्योंकि भाई अब इसका स्पीड भाई वो मेगा इवॉल्व फॉर्म में, सो उसकी स्पीड भाई बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की है। और लैपटॉप यहाँ पे फेंट हो गया यार, अगर वो सोता नहीं तो बात बन जाती, बट वो सो गया ना इसके लिए बात बिगड़ गई। ड्रेन पंच, ओके नहीं 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 ओके बच गया भाई ड्रेन पंच, ओके चलो एक तो फेंट हुआ बट वो बचा हुआ है अभी। पैटरिंग शॉट भाई अटैक पावर घटा रहा है, घटा दिया भाई उसने। ओके भाई तो प्रिमाजियाना को हराने के लिए अभी मेरे पास एक और बार, अब इसको तो मैं फेंट कर देता हूँ कम से कम। ओके ये भी नहीं हुआ भाई, फेंट ख़त्म है ये तो, ये बड़ी वाली दिक्कत हो गई। और इसका जी पावर मिस होगा भाई, मिस होगा, ओके मिस हो गया, चलो ये बढ़िया हुआ। मिग मैजिकस अब सामने फेरी टाइप है और ये भी फेरी प्लस गोस्ट है, तो अभी दिक्कत बढ़ने वाली है अपने लिए, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। थंडरबोल्ट मैंने सिखाया तो वही कर दो, ओके फेंट हो जा फेंट हो जा। 180 की वो नहीं होगी भाई, किस एंगल से होगी ये। शैडो बोल्ट तू क्यों मार रहा भाई, ओ भाई इतना ओपी वाला डैमेज, ये मेरे को लगा नहीं था होगा। अब ये देखते भाई, ओके इसने क्या किया सील्ड फॉर्म, ओके काफ़ी सही, फेंट हो जा, ओके ये फेंट हुई। अब एक भाई ये लो, अब मैं कैसे जीतूंगा भाई, इसके पास एक और पोकेमॉन बचा हुआ है, ये तो हो जाएगा। ओके अब ये मेरे को फेंट कर देगा, ये देखो मैं काफ़ी क्लोज आके हार रहा हूँ, यही मैं आप लोगों को बोल रहा था भाई ऑफलाइन में भी ऐसा ही हो रहा था, मैं काफ़ी क्लोज आके हार रहा था, अगर भाई लैपटॉप ने अपना काम कर दिया होता सभी मैं जीत जाता, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं गाइस। मेरे पास एक और मतलब मेरी टीम में और दो तीन पोकेमॉन है, उनको भी ट्राई करते और हरा देंगे इनको, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप लोग देख लो एकदम क्लोज आके मैं इनसे हारा हूँ तो टेंशन नॉट, मैं हरा दूंगा भाई टेंशन नॉट। ओके गाइस यहाँ पे भाई गेम की जो सेव फाइल थी मेरे मैंने वापस से ओपन कर लिए, और देखो पिछली बार तो भाई हम लोग काफ़ी क्लोज आके हार गए थे, बट इस बार थोड़ी टीम में चेंजेस कर लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को पता है भाई ये लोग कौन सा पोकेमॉन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मिग मैजिकस भाई अपना परमानेंट पोकेमॉन है इनके लिए, और सेकेंडली जो हमको पोकेमॉन यूज़ करना है ना भाई वो होगा अपना गैराडॉस, और गैराडॉस के बाद होगा भाई इंसान रॉड, ठीक है। अभी देखो पिछली बार हम लोगों ने लैपटॉप को यूज़ किया था, बट लैपटॉप सो गया था भाई बीच में, और उसकी वजह से भाई थोड़ा मैच में दिक्कत आ गई थी। और अभी हमारे पास और भी दो पोकेमॉन बचे हुए जो कि हैं अपना एम्पोलियन एंड लैंटन, उनको भी यूज़ करेंगे आज इस बैटल में, बट देखते भाई देखते कौन सा टीम परफेक्ट साबित होता है इनके लिए, आई डोंट नो, बट एक ना एक टीम तो भाई अच्छी साबित हो जाएगी। छः में से छः पोकेमॉन है मेरे पास, और भाई तीन तीन की टीम में बना रहा हूँ बार बार, अब देखते देखना ये है कि कौन सा टीम भाई हराता है इनको। ओके एक्सप्लॉड भैया एक एक अटैक में से फेंट हो जाए, ओ अटैक मिस हो गया इसका भाई, अटैक मिस हो गया, ओ भाई अब जीतने के चांसेस ज़्यादा हो गए पता है उसको। मतलब पिछली बार क्या सीन होता पता है, उसका जो गलाजिन मॉल्ट्रेस है ना भाई वो इसको एक ही अटैक में फेंट कर दे रहा था, जिससे भाई काफ़ी दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे मैं इसको थंडरबोल्ट मार सकता हूँ, ओके सेप्टाइल ये बढ़िया है भाई बढ़िया है, अब की बार जीतने के ज़्यादा चांसेस मेरे को लग रहे। ओ भाई नहीं 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 फेंट मत होना फेंट मत होना, सेप्टाइल को इफेक्ट नहीं किया। अब ये मारेगा अटैक फ्लैश कैनन मेरे को मार, ओ उसको क्यों मार रहा है, अच्छा चलो ये भी सही है भाई उसको मारा तो फेंट नहीं हुआ। भैया एक को निपटा ले तू भी, ये वाला मैच जीतने का बहुत चांसेस है। ओ भाई ये फेंट, इसको मार तो अटैक इसको मार, थंडरबोल्ट इसको लगना चाहिए, ओके बट थंडरबोल्ट से इसको बहुत कुछ हो गया यार। ओ नहीं भाई सेप्टाइल जाने वाले इंसान रॉर, ओ भाई सेप्टाइल मेगा सेप्टाइल हो गया भाई, अगर ये फेंट हो गया तो बैटल में थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। हाइपर वॉइस मैंने क्यों किया पता नहीं, मेरा दिमाग किधर था मेरे को पता नहीं। फेक आउट उसको भाई मेरे को मार देता,
अरे यार इसको काफ़ी बेकार वाला डैमेज पड़ा उससे। हेक्स अटैक इसके ऊपर करूँ क्या मैं, ये फेड नहीं होगा, इस कर ही देता हूँ यार, जो होगा देखा जाएगा। ओ भाई फेड फेड फेड, ओ भाई बहुत बढ़िया भाई, दिल से खुशी हो रही है। ओ माई गॉड, अरे नहीं मेरे को मार, मेरे को मार, मेरे को क्यों नहीं मारा बे, उसको क्यों मार रहे बेचारी को, मेरे को मारना भैया बहुत गलत। इसको ठोक डालो, इसको ठोक डालो भाई, इसको हरा डालो आज, जो होगा देखेंगे, बट पहले इसको ठोको। फेंट हो, फेंट हो भाई। अरे यार ये फिर से फ्लेम थ्रॉल, ओके हाई रहने। अरे 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 मिग मैजिकस गई, वन मोर टाइम इंसान, और भैया संभाल लियो थोड़ा। एक काम कर फ्लेयर ब्लिस, इसको ठोक डाल यार इसने, ओके एजिस लास्ट तो गया, अब तू इसको फेंट कर दे भाई, बात बन जाएगी, सच में बात बन जाएगी। ओके भाई एक पोकेन बचा हुआ है, लिटरली एक पोकेन बचा हुआ है, इसको हराने के लिए ड्रेन पंच है अपने पास। ओके हम दो वैसे एक और मेरा ही पोकेन बचा हुआ है, ग्यारह डॉस बचा हुआ है। अरे नहीं भाई डाकुल मेरे को मार रहा है कि उसको मार रहा है, बिड़ू ये तो गया भाई, लिख के ले लो यार, जाएगा कैसे नहीं बच्चे, कैसे नहीं जाएगा यार, तुम मत जाइए भैया। अरे नहीं 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 ओके ओके ये भी जाएगा। ओ भाई ख़त्म गाइस, फाइनली फाइनली गाइस हम लोग ने रॉकेट एडमिन अरियाना को हरा दिया। और ये इसके साथ क्या है भाई, चमचा अरियाना, और उसका नाम क्या भाई पता नहीं, डैमिट। ओके ओके भाई बकवास, मेरे को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके भैया ब्रैंडन बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तूने वैसे ज़्यादा बड़ा काम तो किया नहीं है, बट बहुत जो तूने किया ना बहुत ही अच्छा किया, सो थैंक्स। और इसने मेरे को भाई ट्री को दिया, भाई ट्री को दिया, कैन यू बिलीव इट गाइस, ट्री को ही गेव मी ए बिग ट्री को, बिग नहीं बोलेंगे अच्छा वाला ट्री को बोलेंगे भाई, मत क्या ही खतरनाक भाई। और गाइस यही मैं आप लोगों को बोला था भाई, ऑफलाइन में मैंने देखो 8-10 बार बैटल किया था उनसे, मैं काफ़ी स्पीड में भाई ऑफलाइन में बैटल करता हूँ, 8x में मैं बैटल करता हूँ ऑफलाइन में, जिससे कि फटाफट बैटल होता है, और भाई मैं देखता हूँ कि कौन सा अटैक वो कर रहे, कौन सा अटैक मैं कर रहा हूँ, सो 8x में भाई काफ़ी स्पीड होता है बैटल। और यही मैं आप लोग बोला था भाई 8-10 बार में से मैंने 2-3 बार इन लोगों को हरा दिया था, सो यही 6 जो मेरे अभी पोकेन है ना भाई, इसी पोकेन का यूज़ करके भाई मैंने इनको हराया था। मतलब देखो कभी मैं इन तीनों को यूज़ करता था, कभी कभी देखो कभी इसको 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 यूज़ करता था, कभी इसको कभी इसको कभी इसको, ऐसे तीन तीन के सेट में मैं यूज़ करता था, सो यहाँ पे मैंने हराया था। इसके लिए भाई मेरे को एक टीम मेरी बन गई थी। अगर आप लोग किसी बंदे से 8-10 बार बैटल करते हो सो आपको इतना तो आइडिया हो जाएगा भी, मतलब कि आपको इतना अच्छा वाला आइडिया हो जाएगा कि आपका कौन सा पोकेन उसके कौन से पोकेन को फेंट कर रहा है, और आपको कौन से पोकेन से जीतने के चांसेस ज़्यादा है। तो वही सब भाई मैंने बैटल में यूज़ किया भाई, बैटल करने के बाद लोग से ऑफलाइन में, बट मेरे पास ऐसी कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं थी आप लोगों को, मैंने सब भाई पहले से बता दिया। बट चलो भाई इतनी मतलब ऐसा कोई फिक्स स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यूस बैटल करोगे तो भाई आप लोग उनको हरा दोगे, और ये कंटिन्यूस बैटल ही भाई मतलब स्ट्रैटेजी बनाने का सबसे अच्छा तरीका कंटिन्यूस बैटल ही है। सो आप लोग भाई बट एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए भाई बहुत ज़्यादा बैटल्स लगते हैं, और हर एक 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 मूव हम लोग को एनालाइज करना पड़ता है कि कौन सा पोकेन रह लेता है क्या नहीं क्या नहीं। तो भाई ऐसा मत समझना कि स्ट्रैटेजी बहुत आसान से बन जाता है, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। और यहाँ पे भाई आज तो हम लोग को मज़ा ही आ गया, चलो अभी आगे देखते क्या होगा। अब वैसे गाइस बाय द वे मेरी पूरी टीम तो हील अप है, और यहाँ पे आगे जहाँ तक मेरे को पता है भाई मेरे को जीवानी से बैटल करना पड़ेगा। सो मैं काम करता भाई, देखो यहाँ पे भाई एडमिन्स को मैंने बहुत ही दिक्कत में मतलब बहुत ही मुश्किल से हराया, तो पहले तो मेरे को गेम सेव करने दो, उसके बाद जो होगा देखेंगे आगे। अब यहाँ पे भाई देखो अब एडमिन से मैंने 8-10 बार बैटल किया, तो मेरे को आइडिया था कि कौन से पोकेन यूज़ करेंगे, बट ये जीवानी को भाई इसके लिए मेरे को कोई आइडिया नहीं कि कौन सा पोकेन यूज़ करेगा। छजुंदर कान कहाँ से आ जाता भाई, पता नहीं किधर से टपक जाता भाई, इसको मैंने एक दो बार हरा के रखा है भाई पहले से। ओके इस बार इसकी टीम तो नहीं लगी भाई, मेमो सॉइन पहले तो नहीं था इसके पास, किधर से टपक गए भाई, पहले विलो विस्प करो। ओके अब जो हैक्स की पावर है ना डबल हो जाएगी, मतलब अगर सामने वाले पोकेन कोई स्टेटस प्रॉब्लम में है तो भाई हेक्स की पावर डबल हो जाती है, बट अगर वो विड्रॉ कर लेगा तो डबल नहीं होती भाई। दिस इज़ नॉट गुड गाइस, दिस इज़ नॉट गुड। हाइपर वॉइस नॉर्मल अटैक है भाई, फिर से हेक्स, ओके ख़त्म है आयरन हेड से। ओके इसके लिए ना मेरे को वाटरी पोकेन की ज़रूरत पड़ेगी, लैप्रेस इज़ अ गुड पोकेन गाइस, लैप्रेस काफ़ी सही है भाई वाटर टाइप में, वाटर प्लस ओ अर्थ को किसी फेंट तो नहीं होना चाहिए। ओके चलो फेंट नहीं हुआ। अरे भाई अंडा एक मिस, ये मेरे को बहुत गंदा लगता है भाई, बहुत गंदा, दिल तोड़ देता भाई ये चीज़ ना, दिल तोड़ देता भाई सच में, अटैक मिस होता ना भाई दिल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं भाई, क्या ही बोलूँ भाई, शब्द नहीं है डिस्क्राइब करने का, क्या ही दिमाग ख़राब होता है मेरा, बट कोई दिक्कत नहीं। ओके ड्रैको विश, इसकी टाइपिंग क्या है, ड्रैगन प्लस वाटर थंडरबोल्ट भाई, ड्रैगन प्लस वाटर है ना, ड्रैगन प्लस वाटर है कि गोस्ट प्लस वाटर है, एक मिनट, नहीं तो आइस प्लस वाटर है भाई, लैप्रेस के जैसा ही है भी,
बट लैपलेस की एक मिनट को, लैपलेस की टाइपिंग तो वैसे आइस प्लस वाटर होती है ना, ओके ड्रैगन प्लस वाटर है। सो इसका जो कलर है ना भाई लैपलेस की, जैसे मतलब ये ड्रैगन प्लस वाटर है, उस हिसाब से उसके पे थंडरबोल्ट इफेक्टिव होना चाहिए यहाँ, बट है नहीं। अरे भैया ड्रैको विज भाई ड्रैगन प्लस वाटर है, ड्रैगन के पे इफेक्टिव होता है फैरी, फैरी ये था ये गया, इसको बचा के रखना चाहिए था यार। गोस्ट प्लस ओके ये गया, फैरी इसके पास अटैक ही नहीं है भाई, फैरी वाले अटैक ही नहीं, तो इसको बचा के रखते तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पे देखने दो किसी के पास है क्या फैरी। वाटर के वाटर के ऊपर भाई इलेक्ट्रिक इफेक्टिव होता है बट वहाँ पे नहीं दिखा रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या ही कर सकते हैं, मे बी लैंटन इसको हरा दे, क्योंकि लैंटन वाटर प्लस इलेक्ट्रिक है, चांसेस तो ज़्यादा हैं, बट देखना पड़ेगा होता क्या है। फ्यूसियस पॉन्ड ओके, सिट्रस बेरी कमाल दिखा रहे, थंडर बोल्ट फेंट नहीं होगा भाई, ड्रैगन प्लस वाटर तो फेंट नहीं होगा, ड्रैगन के ऊपर इफेक्टिव होता है फैरी, तो हम लोग को भाई प्री मारियाना को लाना चाहिए था, क्योंकि वाटर प्लस फैरी है तो वो भाई इसके ऊपर काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी तो भाई मेरे लिए ऐसे ही बन गई कि इसके लिए भाई मेरे को प्री मारियाना को यूज़ करना चाहिए। एक तो भाई देखो स्ट्रैटेजी बनाने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि दिमाग लगाओ, जो कि मैं लगा रहा हूँ, और एक इसके लिए तो भाई मेरे को एक पोकन मिल गया जो कि इसको वन हिट केओ कर सकता है। अरे यार भाई क्या बात है, क्या बात है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए मेरे को स्ट्रैटेजी मिल गया है, इस पोकन इस स्पेसिफिक पोकन के लिए भाई मेरे को पोकन मिल गया है, बट भाई मेरे को पता नहीं भाई इतना तगड़ा पोकन है भाई, एक एक एचपी पे बच जा रहे हैं भाई, मेरे पोकन को इसने फेंट कर दिया, हालत ख़राब कर दिया इसने। ओ भाई इसके पास भी है गैराडोस, अब हो गया ना भाई हद पार हो गई अब तो, वैसे मेरे पास भी गैराडोस है, टेंशन ओके। ड्रैगन डांस भाई, ड्रैगन डांस मेरे पोकन सीखती है, ड्रैगन डांस मेरे पास है ही नहीं तो सीखेंगे किधर से भाई। अब तो स्पीड अटैक इतना इसने बूस्ट कर लिया ना कि अब इसको हराना भाई समझ लो इनसेन हार्ड हो गया भाई, ये इनसेन हार्ड इसको। ओके तीसरी बार लगी अपनी, अच्छी खासी लगेगी भाई, अब ये ना मेरे सभी पूरे पोकन को फेंट करेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ तुम्हें, लिख के देता हूँ किधर साइन करना है बुला लो मेरे को, अब ये मेरे सभी पोकन को फेंट करेगा और मेरे सभी पोकन को भाई अटैक करने का मौका नहीं मिलेगा, देख लेना अभी, देख लेना लिख के मैं दे सकता हूँ तुमको। इतना ज़्यादा इसने भाई अपना स्टेटस वेटस बढ़ा लिया ना, अब भूल जाओ सभी लोग। एक्वा टेल अगर ओके, जी मूव से तो पक्का नहीं बचेगा भाई, सुपर सोनिक स्काई स्ट्राइक, दिस इज नेक्स्ट लेवल अटैक गाइस, नेक्स्ट लेवल बोलते हैं इसको। इंसाइन रॉर क्या ही कर लेगा भाई, फायर टाइप हो गई, क्या ही तू उखाड़ लेगा उसका, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं, ख़त्म है ये भी। ओके गाइस चलो कोई दिक्कत नहीं, विदाउट स्ट्रैटेजी मैंने इसके तीन पोकन को फेंट कर दिया, तीन को हराया ना मैंने, जहाँ तक मेरे को लगा मैंने तीन को तो हरा ही दिया, तीन नहीं तो दो को तो मैंने हरा ही दिया, बट एक तो मेरे को पता चल गया भाई इसके पास गैराडोस है, ड्रैकोविस है, और इसका पहला वाला कौन सा था वो मैं वीडियो को रिवाइंड करके देख लूँगा, पता चल जाएगा मेरे को, टेंशन नॉट। बट यहाँ पे उसके ड्रैकोविस के लिए भाई मेरे को प्री मारियाना को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फेरी प्लस वाटर है, फेरी प्लस ड्रैगन तो बात बन जाएगी, एक टीम हो गया। और गैराडोस के लिए भाई मेरे को गैराडोस के फ्लाइंग प्लस वाटर, सो फ्लाइंग प्लस वाटर के लिए भाई मेरे को ग्रास तो नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिक टाइप पोकन यूज़ करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक टाइप मेरे पास भाई दो तीन तो अच्छे खासे, जैसे कि बोल्टून हो गया अपना, और बोल्टून के बाद भाई एक और है भाई, उसका नाम क्या है दिखाई देता हूँ भाई, नाम में क्या रखा है दिखाई देता हूँ, लुक चेक करा देता भाई आप लोगों में, कहाँ गया वो ट्रिको भाई, अभी ट्रिको मेरे को मिला है भाई, ब्रांडन ने दिया है, ये भी काफ़ी सही है भाई, मैं ट्रिको को इवॉल्व करता हूँ, बट ट्रिको ग्रास है तो गैराडोस के सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि फ्लाइंग भी है। ओके एक मिनट रुको, इस गेम के अंदर गैराडोस की टाइपिंग तो कुछ बदली उदली तो नहीं है ना भाई, गेम की क्रिएटर ने ओके वाटर प्लस फ्लाइंग ही है भाई, बदल देता है भाई। ओके हीलियोलिस भी काफ़ी सही है भाई, इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है और बोल्टून की भी स्पीड काफ़ी अच्छी है, ये जो भाई है ना इलेक्ट्रिक टाइप प्लस नॉर्मल है तो काफ़ी सही साबित हो सकता है, और मेरे पास बोल्टून भी है भाई, कहाँ गया ये देखो यहाँ पे, ये भी काफ़ी बढ़िया साबित होगा, इसका स्पीड भी भाई उसके जैसा ही है, तो दोनों, और इसको भाई फेरी टाइप अटैक भी आती है, काफ़ी सही बात है, तो हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं भाई, तो दोनों में से किसी एक को मैं यूज़ करूँगा, और अगली बार भाई जियोने के लिए मैं एक स्ट्रैटेजी बना के मिलूँगा आप लोग से। अभी का एपिसोड मतलब आज का ये एपिसोड आप सभी को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, आई होप सो कि आप सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दोगे, एंड एक अच्छा सा कमेंट कर दोगे, अपना ओपिनियन दे दोगे कि आप लोग को भाई ये वीडियो कैसा लगा। सो बस गाइस आज के लिए इतना, कल मिलेंगे एक नए धमाकेदार वीडियो में, और गाइस देखो अगर हम लोग जियोनी को हराना चाहे तो आज भी हरा सकते हैं, क्योंकि भाई मेरे को अच्छी खासी टीम पता है उसके लिए, बट अभी देखो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आओ भाई, बैटल करो, टाइम बचाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो गाइस बस आज के लिए इतना, कल मिलेंगे एक नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय आप सभी को।